हेलो फ्रेंड, वेलकम टू योर चैनल सॉल्यूशन। आज हम बात करने वाले हैं आपके पीसीआई सिलेबस के हिसाब से शॉर्ट आंसर में पूछे जाने वाले एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की। वो टॉपिक है ड्रग डिस्कवरी एंड डेवलपमेंट या ड्रग डेवलपमेंट या डिस्कवरी फेसेस के बारे में। फ्रेंड्स, आपने कई तरह के टैबलेट कैप्सूल इंजेक्शन ऑइंटमेंट यूज़ किए होंगे, तो आपके जब ये हाथ में होता है और आप अपने इसको यूज़ करते हैं, आपको यूज़ मिलने के बाद आपका काम खत्म हो जाता है, चाहे वो यूज़ आपके लिए बेनिफिशियल हो चाहे ना हो। लेकिन क्या आपको मालूम है इस टैबलेट के पीछे या इस कैप्सूल के पीछे या इस इंजेक्शन के पीछे जिसको आप ये यूज़ करने वाले हैं कितना समय लगा और किन किन स्टेप्स या किन किन फेजेस को फॉलो करते हुए ये टैबलेट अल्टीमेटली एक कॉन्सेप्ट से लेकर के एक डोजेस फॉर्म के फॉर्म में आपके बॉडी के पास आया है और इसको आप यूज़ करने वाले हैं। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं ऐसे टॉपिक की जो आपको ये बताएगा कि हमको ड्रग के डेवलपमेंट के लिए कौन कौन से स्टेप्स को फॉलो करना पड़ता है, किन किन स्टेप किन किन स्टेजेस को फॉलो करना पड़ता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कुछ बेसिक टर्म्स जो इसको यूज करने वाले हैं आज के इस चैप्टर को डील करने के लिए। सबसे पहले हम बात करते हैं अगर नॉर्मल स्टेज की। देखिए, स्टेज मतलब होता है कि किन किन स्टेप को हम पॉज करेंगे, किन किन एक फेज में हम पॉज करेंगे, उसके बाद ड्रग का डेवलपमेंट होगा। तो अगर हम बात करते हैं ड्रग के डेवलपमेंट की, तो हम उसको दो मेन स्टेज में डिवाइड कर सकते हैं। पहला स्टेज होगा कॉन्सेप्चुअल स्टेज, दूसरा होगा आपका डेवलपमेंट स्टेज या डेवलपमेंट लेवल। ये दोनों का क्या मतलब होता है, सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं। कॉन्सेप्चुअल स्टेज या कॉन्सेप्चुअल लेवल मतलब होता है किसी भी ड्रग को बनाने से पहले उसके बारे में कुछ कॉन्सेप्ट किया जाए, कुछ कॉन्सेप्ट को ड्रॉ किया जाए, कॉन्सेप्ट को फॉलो किया जाए, वो कहलाता है कॉन्सेप्चुअल लॉजिक या कॉन्सेप्चुअल लेवल ऑफ ड्रग डिस्कवरी। इसका सिंपल सा एग्जांपल अगर आप बात करना चाहेंगे तो जो भी साइंटिस्ट हैं, जो भी रिसर्चर हैं, वो अपने लैब में हर एक दिन नए कॉन्सेप्ट को लेकर के काम करना स्टार्ट करते हैं कि क्या हम ऐसा नया करें जिससे इस ड्रग की एक्सेप्टेबिलिटी बढ़ जाए। एक्सेप्टेबिलिटी कहने का मतलब ये है, अगर आपने फार्माकोडायनामिक में हमारे लेक्चर को देखा है, तो एक्सेप्टेबिलिटी कहने का मतलब यह है कि थेरापूटिक इंडेक्स उसका अच्छा हो, उसका थेरापूटिक विंडो अच्छा हो, मैक्सिमम से मैक्सिमम डिजायरेबल इफेक्ट हो और मिनिमम से मिनिमम उसके साइड इफेक्ट हो। एक्चुअली ये प्रोसेस हाइपोथेसिस है, पर इसको पूरा करने की कोशिश पूरी तरह से की जा रही है बाय डिफरेंट डिफरेंट कॉन्सेप्ट हम उसमें अप्लाई कर रहे हैं। अगर आप बात करते हैं ऑलरेडी एग्जिस्टिंग ड्रग की, तो आपने फार्माकोलॉजी में पढ़ा होगा, अगर आप हायर स्टैंडर्ड के स्टूडेंट्स हैं, तो फर्स्ट जनरेशन एंटीबायोटिक, सेकंड जनरेशन एंटीबायोटिक, फर्स्ट जनरेशन एंटीहिस्टामिनिक ड्रग, सेकंड जनरेशन एंटीहिस्टामिनिक ड्रग। ये जनरेशन का ही मतलब यह है कि जब पहली बार कोई नया नया बना होगा तो उसमें डेफिनेटली जरूरत के हिसाब से कई सारी कमियों को भी एक्सेप्ट किया गया होगा, क्योंकि एट अ टाइम वो चीजें ज्यादा इंपॉर्टेंट थी कि हमको कुछ इफेक्ट मिले, भले उससे रिलेटेड कुछ साइड इफेक्ट मिले। बट हमेशा ये एक्सेप्ट नहीं किया जा सकता कि मैक्सिमम साइड इफेक्ट हम एक्सेप्ट करें। तो हमारे साइंटिस्ट का ये एक्सेप्ट ये रहता है या कॉन्सेप्ट ये रहता है कि हम मैक्सिमम से मैक्सिमम उस ड्रग के जो इफिकेसी है, जो डिजायरेबल रिस्पॉन्स है, उसको बढ़ा सकें और उसके साइड इफेक्ट को जितना कम से कम हो सके उतना कम लेके आ सकें। तो ये पूरा कॉन्सेप्चुअल स्टेज कहलाता है। कॉन्सेप्चुअल स्टेज में दूसरा फेज ये भी कहता है कि जो फिजिशियंस हैं, जिनका कॉन्टेक्ट पेशेंट से यानी कि एक्चुअल कंज्यूमर से डेली लाइफ में होता है, वो डेली उस कंज्यूमर से डील कर रहे होते हैं, तो उनको वो प्रॉब्लम ज्यादा अच्छे समझ में आता है कि किस ड्रग का साइड इफेक्ट किसको कैसा मिला, किस ड्रग का रिस्पॉन्स कैसे पेशेंट दे रहे हैं, किस पेशेंट के किस ग्रुप के जो पेशेंट हैं उनमें अच्छे से रिस्पॉन्स आ रहा है, तो उनके मन में ये कॉन्सेप्ट रहता है और उस कॉन्सेप्ट को वो आगे कैरी फॉरवर्ड करते हैं, जिसकी वजह से उस ड्रग से रिलेटेड मिनिमम साइड इफेक्ट को अचीव करने की कोशिश की जाती है। तो ये एक ऐसा प्रोसेस जिसका सब कुछ आपके ब्रेन पे हो रहा होता है, आप उसमें इमेजिन कर रहे होते हैं, कॉन्सेप्ट कर रहे होते हैं, ऐसा होगा तो कैसा होगा, इसको ऐसे चेंज करेंगे तो कैसा होगा, दिस इज कॉल्ड कॉन्सेप्चुअल स्टेज और ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं सेकेंड स्टेप या सेकेंड स्टेज या सेकेंड फेज की, दैट इज डेवलपमेंट फेज। डेवलपमेंट फेज मतलब होता है आपके विचारों को एक मूर्त रूप देना, एक शेप देना, जो आपने डिजाइन किया हुआ है, अपने दिमाग में हाइपोथेसिस लगाई हुई है, इसको कैसे एक्चुअल में परफॉर्म किया जाए, ये स्टेज कहलाता है डेवलपमेंट स्टेज। डेवलपमेंट स्टेज के अंदर हम बात करेंगे तो इन सारे पैरामीटर को हम इसमें इंक्लूड करते हैं। बेसिक एग्जांपल की अगर हम बात करते हैं, तो अगर आपने किसी भी जगह से आपके एरोडिक सिस्टम के हिसाब से सुना होगा कि इस प्लांट के इस पार्ट को यूज करने से इस तरह की डिजीज को ठीक कर सकते हैं या डिसऑर्डर को अपन कम कर सकते हैं, तो ये एक सोच है, ये एक प्रूव्ड है, लेकिन आयुर्वेदिक में आपको उसको एक ड्रग फॉर्म करना होगा। अगर आप किसी प्लांट के लीफ में कोई एक्टिविटी है, तो इट डजंट मीन कि पूरी लीफ में वो केमिकल कॉन्सेंट प्रेजेंट हैं जो उसके एक्टिविटी को परफॉर्म करते हैं। उस लीफ में सो मेनी केमिकल कॉन्सेंट प्रेजेंट होंगे, बट हमको ये पता लगाना है कि उस कई सारे केमिकल कॉन्सेंट से कौन सा इकलौता केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट है या मोर देन वन केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट है जो उस पर्टिकुलर डिजीज या डिसऑर्डर को ठीक करने के लिए यूज किया जाता है। तो इन द डेवलपमेंट केस आपने जो हाइपोथेसिस बनाई है, जो आपने कॉन्सेप्ट बनाया हुआ है कि इस ड्रग के में ये चेंज करने से ये इफेक्ट होगा, उसको हमको डेवलप करना है, उसको लैबोरेटरी से निकाल करके आपके हाथ यानी कि हमारे कंज्यूमर के हाथ में पहुंचाना होता है।
ये डेवलपमेंट स्टेज कई स्टेजों से गुजरता है। सबसे पहले तो हम इसके बात करते हैं कि कौन सा डोजेस फॉर्म बनना चाहिए, कैसे केमिकल कॉन्स्टेंट के अंदर को हम मिनिमम से मिनिमम साइड इफेक्ट वाले केमिकल कॉन्स्टेंट को यूज कर सकें, कौन कौन सी स्क्रीनिंग टेक्निक होगी, HPLC, TLC, गैस्ट्रोमेटोग्राफी, इस तरह के अलग अलग सेपरेशन टेक्निक या इटिलाइजेशन टेक्निक, स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री टेक्निक को यूज करके हम इनको उनके स्टैंडर्ड केमिकल कॉन्स्टेंट को आइडेंटिफाई करेंगे, सेपरेट करेंगे, स्क्रीन करेंगे। उसके बाद अगर हम बात करेंगे तो हम पाएंगे कि उसकी कैसे प्री क्लिनिकल ट्रायल की जाएगी, जिसके बारे में हम आप देखने वाले हैं। प्री क्लिनिकल ट्रायल के बाद क्लिनिकल ट्रायल होगा, उसके बाद हमारे पास ये आएंगी। इनके बीच में छोटे छोटे कई स्टेप हैं जिनको हमने यहाँ पे समराइज करने की कोशिश की है। आज का जो टॉपिक है हमने इसको लिया हुआ है कॉन्सेप्चुअल फार्माकोलॉजी बाय पी जगदीश प्रसाद की बुक से, और ये नीचे वाला हिस्सा लिया हुआ हमने KD त्रिपाठी के लेटेस्ट एडिशन, दैट इज 8th एडिशन से। तो हम इसको अपने लैंग्वेज में सिंप्लीफाई करने की कोशिश करेंगे। आगे बढ़ते हैं उसके स्टेप्स की। ये जो था वो है स्टेज, अब हम बात करेंगे इस स्टेज को अचीव करने के लिए हमको कौन कौन से स्टेप्स को फॉलो करने पड़ते हैं। एक्चुअली ये जो स्टेप्स हैं वो डेवलपमेंट फेज को डिनोट करते हैं, उनके अंदर के सब पॉइंट हैं, और ये हमने केडी त्रिपाठी से लिया हुआ है। हम बात करते हैं पहला स्टेज की, तो है सिंथेसिस या तो आइसोलेशन ऑफ कंपाउंड, और इस पूरे प्रोसेस को करने में हमें कम से कम 1 से 2 साल का समय लग सकता है। इसलिए जब कभी भी हमारे पास कोई टैबलेट आता है तो वो टैबलेट 1-2 दिन की मेहनत नहीं होती है, वो काफी समय से रिसर्च किया जाने वाला सब्सटेंस होता है जो अल्टीमेटली हमारे पास एक शेप में एक डोजेस फॉर्म के फॉर्म में आता है। समझते हैं सिंथेसिस या आइसोलेशन का क्या मतलब होता है। अगर आप सिंथेसिस की बात करते हैं तो आप बात कर रहे होते हैं किसी पुराने केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट से नया केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट डिराइव करने के पीछे जो काम चल रहा है उसके बारे में बात कर रहे होते हैं, या अगर आपने ये पता लगाया है कि पुराने ड्रग के इस केमिकल मॉलिक्यूल्स की वजह से इस तरह के साइड इफेक्ट मिल सकते हैं तो आप उसका अल्टरनेटिव ढूंढते हैं कि इस केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट को अगर हम रिप्लेस करेंगे तो कौन से केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट उसको रिप्लेस कर सकते हैं जो उस साइड इफेक्ट को कम करे या थोड़ा सा कम साइड इफेक्ट दे सके। इस तरह के इफेक्ट को जानने के लिए आपको ड्रग का एडिटिव इफेक्ट, सिनर्जिस्टिक इफेक्ट, एंटागोनिस्टिक इफेक्ट, या जो हमने पिछले वीडियो में लिस्ट अपलोड किया हुआ है ड्रग ड्रग इंटरेक्शन, ड्रग फूड इंटरेक्शन या काइनेटिक इंटरेक्शन, इसकी जानकारी होनी चाहिए, और ये इसी फेज में होती है। सिंथेसिस में ये भी देखा जाता है कि हम नए केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट को कैसे डिराइव करें, और आइसोलेशन का मतलब होता है कि ग्रुप ऑफ केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट में से उस एक सिंगल केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट को या दो केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट को या डिपेंडिंग अपॉन द नीड किन-किन केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट को इंडिविजुअल फॉर्म में अलग करें, सेपरेट करें, दैट इज नोन एज आइसोलेशन। भीड़ में से किसी चीज को अलग करना ये आइसोलेशन कहलाता है। जैसे हमने बात किया था अगर किसी प्लांट के लीफ में बहुत सारे केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट हैं और उस पूरे रॉ लीफ को हम यूज करते हैं एज अ ट्रेडिशनल मेडिसिन के फॉर्म में तो वो हमारी प्रॉब्लम को ठीक करता है। बट लॉजिकली अगर आप देखना चाहेंगे तो उस लीफ में ऐसा कौन सा केमिकल कॉन्स्टेंट प्रेजेंट है जिसकी वजह से हमें वो डिजायरेबल इफेक्ट मिलता है, तो उस सिंगल केमिकल कॉन्स्टेंट को उनके या कह सकें कि हर एक केमिकल कॉन्स्टेंट को एज अ सिंगल सिंगल केमिकल कॉन्स्टेंट बाहर निकालना, उस प्लांट के एक्सट्रैक्ट करके, आइसोलेशन करके, क्रोमेटोग्राफिक टेक्निक यूज करके, ये कहलाता है आइसोलेशन। और इस पूरे प्रोसेस में बहुत सारी सावधानी बरतनी पड़ती है कि कोई से भी टेलिंग इफेक्ट ना आए, कोई सा भी ऐसा ड्रग का इफेक्ट ना दिखे जो हम उस चीज को नहीं चाहते हैं। इसीलिए इंटरफेरेंस ऑफ दो डिफरेंट ड्रग को बचाने के लिए हम इसको प्योर फॉर्म में आइसोलेट करते हैं। इसके बाद जो अगला स्टेप आता है हमारे ड्रग डेवलपमेंट के फेजेस में वह है प्री क्लिनिकल स्टडीज। प्री क्लिनिकल स्टडीज में आपको ये टॉपिक ही बहुत इंपॉर्टेंट है, प्री क्लिनिकल स्टडीज और क्लिनिकल ट्रायल्स या क्लिनिकल स्टडीज, ये फार्माकोलॉजी के दो बहुत ही इंपॉर्टेंट फेजेस हैं, या यूं कहें कि दीज आर द टू आर्म्स ऑफ फार्माकोलॉजी। प्री क्लिनिकल ट्रायल्स में आपको नाम से ही समझ में आ रहा होगा, सबसे पहले हम उनको ब्रेक करते हैं, प्री क्लिनिकल स्टडीज या ट्रायल्स। प्री मतलब होता है पहले का, क्लिनिकल ट्रायल्स मतलब होता है उस ड्रग का जिसको आपने डेवलप किया हुआ है उसको ट्राई करना, ट्रायल एंड एरर मेथड को फॉलो करना कि ये कैसा इफेक्ट शो करेगा, क्या वो इफेक्ट शो कर रहा है जैसा हम उस ड्रग से चाहते हैं, या वो उस तरह के इफेक्ट भी शो कर रहा है जैसा हम उस चीज से नहीं चाहते हैं। तो पूरी तरह से लिविंग ऑर्गेनिज्म पे ये ट्राई करना ये कहलाता है उसकी ट्रायल या क्लिनिकल ट्रायल। क्योंकि क्लिनिकल ट्रायल हम ह्यूमन बींग्स पे करते हैं क्योंकि यूज ह्यूमन बींग को ही करना है, अगर ये नॉर्मल ह्यूमन बींग के लिए बनाया गया मेडिसिन है तो दैट्स कॉल्ड क्लिनिकल ट्रायल। क्योंकि यहाँ पे क्लिनिकल ट्रायल नहीं प्री क्लिनिकल ट्रायल लिखा हुआ है, इसका मतलब होता है कि क्लिनिकल ट्रायल से पहले का एक ट्रायल जो उसके लेवल को और बढ़ा दे और ये प्रूव करने में मदद करे कि इस पर्टिकुलर ड्रग का साइड इफेक्ट बहुत कम है या अनवांटेड इफेक्ट कम है, लीथल इफेक्ट कम है, डिजायरेबल इफेक्ट ज्यादा है। तो ह्यूमंस पे ना जा करके सीधे सीधे हम किसी एक्सपेरिमेंटल एनिमल पे अगर इसको फॉलो करना चाहते हैं तो वो कहलाता है प्रीक्लिनिकल ट्रायल्स। हमने बहुत सारे एनिमल्स उनके स्पेसिफिक इंपॉर्टेंस के बारे में पीडीएफ में नोट ऑलरेडी हमारे सोल्यूशन फार्मेसी के फेसबुक ग्रुप में डाला हुआ है,
आप ग्रुप ज्वाइन करके फाइल सेक्शन से वो डाउनलोड कर सकते हैं, या पूरे जो एक मेन इंपॉर्टेंट एनिमल्स हैं यूज किए जाते हैं फार्माकोलॉजी में एज अ एक्सपेरिमेंटल एनिमल, उसके वीडियोस भी हमारे चैनल पे अवेलेबल हैं और उसके पीडीएफ भी, जिसका डिस्क्रिप्शन में हम आपको लिंक दे देंगे। इसके बाद हम बात करते हैं कि प्री क्लिनिकल ट्रायल में एक्चुअली करते किस चीज की स्टडी है। तो आप देखेंगे कि स्क्रीनिंग होगा, इवेल्युएशन होगा, फार्माकोकाइनेटिक प्रोफाइल होगी, साथ में हम बात करेंगे शॉर्ट टर्म टॉक्सिसिटी स्टडीज की। ये चार मेन पॉइंट हैं जो हमको प्रीक्लिनिकल ट्रायल में स्टडी करनी होती है। सबसे पहले बात करते हैं स्क्रीनिंग की। स्क्रीनिंग मतलब होता है कि हम उन डोज को, उन ड्रग को स्क्रीन आउट कर देंगे जिनका एक एक्सपेक्टेड थेरेप्यूटिक इफेक्ट ज्यादा होगा एज कम्पेयर टू डिफरेंट अदर टाइप ऑफ ड्रग से। स्क्रीनिंग का मतलब ये होता है छांट करके अलग करना। ये पैरामीटर टू पैरामीटर वेरी कर सकता है अकॉर्डिंग टू ड्रग और अकॉर्डिंग टू योर नीड। आप किस चीज की स्टडी करना चाहते हैं, किस तरह के इफेक्ट लेना चाहते हैं, उसके हिसाब से भी स्क्रीनिंग इसको हम कर सकते हैं। अगर आप कोई ऐसा ड्रग लेना चाहते हैं जो टॉक्सिसिटी का बहुत कम टॉक्सिक हो, तो हम उसको अकॉर्डिंग टू देयर टॉक्सिसिटी प्रोफाइल अलग कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि इनका जो यूटिलाइजेशन के बेस पे है, जिसको हम रेगुलेटरी यूज करें, तो साइड इफेक्ट थोड़ा भी चले, तो उसको आप उस हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। इट्स डिपेंड अपॉन द नीड और ड्रग प्रोफाइल। उसके बाद बात करते हैं हम इवेल्युएशन की। इवेल्युएशन मतलब होता है उस ड्रग का एक्टिविटी चेक करना कि क्या ये वो ड्रग है जिस चीज को आप चाहते हैं, या उसके दूसरे शब्दों में कहें तो क्या ये ड्रग उस काम को करने के लिए एबल है जिस चीज के लिए आपने इसको डिस्कवरी की है। तो ये जो पूरा फेज कहलाता है वह इवेल्युएशन कहलाता है। जैसे अगर आप फार्मेसी के स्टूडेंट हैं तो आपने एक्सपेरिमेंट में देखा होगा, तो इवेल्युएट द एंटी एंजाइटी एक्टिविटी ऑफ गिवन ड्रग बाय यूजिंग दिस टाइप ऑफ एपरेटस। स्टूडेंट आंगनबाद को यूज करके आप देख सकते हैं, रोटा रोड को यूज करके देख सकते हैं, आप प्लस मेज को यूज कर सकते हैं। डिपेंडिंग अपॉन द एक्टिविटी यू नीड यू हैव टू चूज द अप्रोप्रिएट टाइप ऑफ एपरेटस। तो अगर हम एंटी एंजाइटी ड्रग के बारे में बात करते हैं तो हम प्लस मेज जा सकते हैं, जिया मेज जा सकते हैं, इस तरह के अलग अलग मेज को हम चेक कर सकते हैं और उस गिवन ड्रग का गिवन कंसेंट्रेशन पे क्या रिस्पॉन्स है उस एनिमल्स पे, एक्सपेरिमेंटल एनिमल पे, वो हम देख सकते हैं। दिस इज कॉल्ड इवेल्युएशन पैरामीटर्स। उसके बाद हम बात करते हैं फार्माकोकाइनेटिक की। तो इट इज वेरी वेल नोन फैक्ट टिल नाउ कि फार्माकोकाइनेटिक मतलब होता है व्हाट डज बॉडी डू टू द ड्रग, यानी कि जब हम कोई ड्रग लेते हैं तो उस लिए गए ड्रग के करस्पॉन्डिंग हमारी बॉडी क्या रिस्पॉन्स करती है इन द फॉर्म ऑफ ADME, दैट इज स्टैंड्स फॉर एब्जॉर्प्शन डिस्ट्रीब्यूशन मेटाबॉलिज्म और एलिमिनेशन। उस ड्रग का लिए जाने पे बॉडी क्या रिस्पॉन्स करती है, इसकी पूरी स्टडी कहलाती है फार्माकोकाइनेटिक। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि अगर हम कोई ड्रग ले रहे हैं और हमारी बॉडी उस ड्रग को एक्सेप्ट ही नहीं कर रही है, एब्जॉर्ब नहीं कर रही है, डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर रही है, या प्रॉपरली मेटाबोलाइट करने में एबल नहीं है, या मेटाबोलाइट करके उसको इनएक्टिव मेटाबोलाइट में कन्वर्ट कर दे रही है, तो हमारे ये किसी काम का नहीं है। अगर उस ड्रग का प्रोफाइल ऐसा है कि इजिली एसिलेट नहीं ऑफ हो सकता, तो वह एक्यूमुलेट कर सकता है आपकी बॉडी में और ये मोर डेंजरस कंडीशन को इनिशिएट कर सकता है। तो फार्माकोकाइनेटिक प्रोफाइल उस ड्रग का जानना बहुत जरूरी है। इसके बाद हम बात करते हैं शॉर्ट टर्म टॉक्सिसिटी स्टडीज की। फ्रेंड्स, एक लाइन में आपको रिपीट करना चाहूंगा या इस पे एम्फेसाइज करना चाहूंगा, अगर हम कोई ड्रग लेते हैं और उस ड्रग से हमें कोई इफेक्ट, थेरेप्यूटिक इफेक्ट नहीं मिलता तो भी चलेगा, लेकिन अगर उस ड्रग से हमें कोई ऐसा इफेक्ट मिलता है जो हमारे लिए टॉक्सिक हो, हमारे लिए अनवांटेड हो, तो वो नहीं चलेगा। इसलिए पूरी कोशिश की जाती है कि ड्रग की थेरेप्यूटिक इफेक्ट चेक करें, उससे पहले उसकी टॉक्सिसिटी स्टडी चेक करें, क्योंकि टॉक्सिसिटी इज मोर डेंजरस देन नॉन डिजायरेबल इफेक्ट। मतलब हमको अगर इफेक्ट नहीं भी मिलेगा तो चलेगा, जैसा कंडीशन है वैसा रहेगा, लेकिन अगर हमको साइड इफेक्ट ज्यादा मिलता है एज कंपेयर टू थेरेप्यूटिक इफेक्ट, तो वो हमारे लिए अनएक्सेप्टेबल कंडीशन होगा। इन दिस केस ऑफ प्रीक्लिनिकल ट्रायल हम डिफरेंट डिफरेंट एनिमल्स पे, माइस पे, और हम इस तरह के ड्रग की टॉक्सिसिटी स्टडीज चेक करते हैं। LD50 डिटरमाइन करते हैं कि कौन से डोज पे, कितना डोज पे 50% ऑफ पॉपुलेशन उस एनिमल के किल हो रहे हैं, डेथ हो रहे हैं, सेक्रीफाइस हो रहे हैं, तो हम उसे LD50 कहते हैं। तो प्रीक्लिनिकल ट्रायल में हम इस तरह की स्टडी को परफॉर्म करते हैं। चलिए आगे, और इस प्रीक्लिनिकल ट्रायल में हमको लगते हैं लगभग 2 से 4 ईयर्स। अगला जो स्टेप है हमारा वो है स्क्रूटनी एंड ग्रांट ऑफ परमिशन फॉर द क्लिनिकल ट्रायल। प्रीक्लिनिकल ट्रायल में सेटिस्फैक्टरी डाटा मिलने के बाद, ये देखने के बाद कि ये ड्रग की सेफ्टी मार्जिन थोड़ी ज्यादा है और हम इसको आगे जाकर के स्टडी को कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं, तो हमें एक अथॉराइज्ड अथॉरिटी से क्लिनिकल ट्रायल करने की परमिशन मिलती है ऑन ह्यूमन वॉलंटियर्स। इसके लिए हमें वॉलंटियर्स की जरूरत पड़ती है, बहुत सारे बॉन्ड्स वगैरह बनाने पड़ेंगे, बहुत सारे कंडीशन अप्लाइड होगी, जिसका पूरा डिस्कशन हम आगे आने वाले टॉपिक क्लिनिकल ट्रायल में करने वाले हैं। तो उस क्लिनिकल ट्रायल में हमको क्या देखना होता है, एक्चुअली में परमिशन मिलने के बाद हमको क्लिनिकल ट्रायल को परफॉर्म करना होता है, और ये परमिशन का समय है, इट इज नॉट टाइम फॉर क्लिनिकल ट्रायल। प्री क्लिनिकल ट्रायल से लेकर के क्लिनिकल ट्रायल तक की परमिशन लेने के लिए हमें बहुत सारे एविडेंस देने पड़ेंगे, डॉक्यूमेंट सबमिट करने पड़ेंगे, और इस पूरे प्रोसेस में लगभग 3 से 6 महीने का समय लग सकता है। ऑल दिस टाइम्स आर अकॉर्डिंग टू KD त्रिपाठी लेटेस्ट एडिशन। इट मे बी वरी कंट्री टू कंट्री और टाइम टू टाइम। उसके बाद हम बात करते हैं तो क्लिनिकल ट्रायल्स की बात करेंगे। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है हमारा
क्लिनिकल ट्रायल बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी ड्रग का शेप में आने के लिए, आपके दिमाग से लेकर के उस ड्रग को आपके यूज करने लायक बनने के लिए। क्लिनिकल ट्रायल इज वेरी इंपॉर्टेंट पैरामीटर एंड इट हैज टू बी फॉलोड द ऑल पैरामीटर्स अंडर द क्लिनिकल ट्रायल्स। क्लिनिकल ट्रायल में हम क्या देखते हैं कि कौन सा ड्रग कितना इफेक्टिव है, क्या उस ड्रग का साइड इफेक्ट ज्यादा है, क्या वो ड्रग के अंदर वो कैपेबिलिटी है कि वो ठीक कर सके, और किन किन पॉपुलेशंस को। देखिए हम जो ड्रग बनाते हैं वो थ्रू आउट सर्कुलेट होगा कंट्री में। अगर हम हमारी कंट्री के बारे में बात करते हैं तो हमारी कंट्री में बहुत सारे रीजन है, साउथ, नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट, वहाँ का क्लाइमेटिक कंडीशन, वहाँ के लोगों का जियोग्राफिक कंडीशन के हिसाब से हो सकता है कि उनकी ह्यूमिडिटी और वेरिएशन, टेम्परेचर वेरिएशन के हिसाब से ड्रग का डोज का इफेक्ट अलग अलग हो। तो हम पॉपुलेशन को इंक्रीज करते हैं, हम अलग अलग जगह से अलग अलग लोगों को ला करके उनके ऊपर ट्रायल करते हैं और उसकी स्टडी करते हैं, जिसको हम आगे वीडियो में जरूर देखेंगे। हम बात करते हैं सिंपली फेज की, अभी हम फेज भी डिटेल से नहीं समझेंगे, फेज आपको जब क्लिनिकल ट्रायल आएगा तब बताएंगे, क्योंकि हम डील कर रहे हैं स्टेप्स की, नॉट क्लिनिकल ट्रायल्स की। तो फेज होता है फेज वन, फेज टू, फेज थ्री। फेज वन बेसिकली अगर हम बात करेंगे तो सेफ्टी स्टडी की जाती है, फेज टू में उसकी थेरेपोटिक एक्टिविटी चेक की जाती है कम पॉपुलेशन पे, फेज थ्री में ज्यादा पॉपुलेशन पे उसकी स्टडी की जाती है, मिक्स ग्रुप में स्टडी की जाती है, कोहोर्ट स्टडी की जाती है, और एट द लास्ट हम बात करेंगे इसके आगे जो कि आएगा पोस्ट क्लिनिकल ट्रायल यानी कि मार्केटिंग सर्विस में। और इस क्लिनिकल ट्रायल में लगभग हमको लग जाता है 3 से 10 साल। तो मैक्सिमम टाइम जो ड्रग को डेवलप होकर के आपके हाथों तक आने में लगता है वो इसी स्टेप यानी कि क्लिनिकल ट्रायल की वजह से ही लगता है। और इस क्लिनिकल ट्रायल में हम लॉन्ग टर्म्स एनिमल सेफ्टी या टॉक्सिसिटी स्टडी भी करते रहते हैं साइमल्टेनियसली। उसके बाद हमारा जो अगला फेज आता है वह रिव्यू एंड ग्रांट ऑफ मार्केटिंग। इस पूरे प्रोसेस को, प्री क्लिनिकल ट्रायल्स को, पोस्ट क्लिनिकल ट्रायल को यानी कि एक्चुअल क्लिनिकल ट्रायल की स्टडी करने के बाद हमको अप्रूवल मिलता है किसी चीज की, रिव्यू करने के बाद कि आप इस ड्रग का मार्केटिंग कर सकते हैं, इस ड्रग को इंफॉर्मेशन सर्कुलेट कर सकते हैं। और इस पूरे प्रोसेस में 0.5 to 2 years यानी कि आधे साल से लेकर के 2 साल तक का समय लग सकता है। अगला जो स्टेप है वो है पोस्ट मार्केटिंग सर्विलियंस। दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट फॉर द नाउडेज, और इसी को हम आगे जाकर देखेंगे एज अ फार्माकोविजिलेंस। पोस्ट मार्केटिंग सर्विलेंस मतलब क्या होता है, आफ्टर अप्रूवल ऑफ ग्रांट ऑफ क्लिनिकल ट्रायल बाय द स्पेसिफिक या रिस्पॉन्सिबल अथॉरिटी, हमारा ड्रग मार्केट में लॉन्च हो जाता है। इस ड्रग को कई सारे कंज्यूमर यूज कर रहे होते हैं, वेरिएशन ऑफ कैन जिस कंज्यूमर इसको यूज कर रहे होते हैं, तो उनके अकॉर्डिंग नेचर के हिसाब से, जियोग्राफिकल कंडीशन के हिसाब से, जेनेटिक सीक्वेंस के हिसाब से हो सकता है कि कोई ड्रग लॉन्च होने के बाद भी साइड इफेक्ट दे। उसकी पूरी स्टडी की जाती है और उस ड्रग को मार्केट से विड्रॉ किया जाता है। जैसे अभी लेटेस्ट में कई सारे ड्रग को जो कि कंबाइंड ड्रग थे उनको विड्रॉ किया गया था। तो इस तरह की कंडीशन को हम बोलते हैं पोस्ट मार्केटिंग सर्विलेंस। मार्केट में लॉन्च होने के बाद दैट्स कॉल्ड पोस्ट मार्केटिंग सर्विलेंस, मतलब उसके बारे में स्टडी करते रहना। और ये नॉन स्टॉप प्रोसेस है, ये चलता रहता है, क्योंकि कब किस कंडीशन में उसका केमिकल कॉन्स्टिट्यूशन चेंज हो जाए, कितने साल बाद चेंज हो जाए, इसकी पूरी स्टडी को हमको ध्यान में रखना होता है। चलिए अब हम बात करते हैं अप्रोच की, तो कौन कौन से बेसिक अप्रोच होते हैं किसी भी ड्रग को अचीव करने के लिए, वो शॉर्ट में देखते हैं कुछ बेसिक पॉइंट। सबसे पहला होता है एक्सप्लोरेशन ऑफ नेचुरल सोर्स। हमारे पास जितने भी नेचुरल सोर्स हैं, प्लांट हैं, मिनरल्स हैं, मराइन हैं, जितने टाइप के और जेनेटिक सिक्वेंस वाले केस हैं, उनकी पूरी स्टडी की जाती है और उससे मिलाकर के हमको ड्रग डेवलप किया जाता है। इनके पूरे वीडियोस आपको हमारे ही चैनल में फार्माकोग्नोसी के लेक्चर में मिल जाएंगे और इसके बारे में आपको डिटेल वहां से आपको मिल जाएगा। तो हम फार्माकोग्नोसी के पूरे वीडियो के प्लेलिस्ट के लिंक यहां पे दिखा रहे हैं, इस प्लेलिस्ट के लिंक को क्लिक करेंगे तो आपको फार्माकोग्नोसी से रिलेटेड हर एक टॉपिक को एक साथ पा जाएंगे। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में भी हम आपको दे देंगे। उसके अंदर एग्जांपल अगर बात करेंगे तो इफेड्रा है, तुलसी है, नीम है, इनके केमिकल कंपाउंड को यूज करके हम नए नए मॉलिक्यूल्स को डेवलप कर सकते हैं। फिर हम बात करते हैं एक अगले स्टेप्स की, स्ट्रेटजी की, तो है रैंडम और टारगेटेड क्लिनिकल सिंथेसिस। आप रैंडम जिसको बोलते हैं सेरेंडिपिटी, रैंडम ट्रायल कर सकते हैं कि ये चेंज करने से क्या होगा, ये चेंज करने से क्या होगा, इस तरह के एक्टिविटी को पाने के लिए हमको क्या चेंज करना पड़ेगा। दिस कुड बी रैंडम और प्लांट या सिस्टमिक, या बोल सकते हो आप टारगेटेड, कि हम यही चेंज करें तो क्या होगा। इस तरह की स्टडी से जो ड्रग बन करके आते हैं वो इसी फॉलो को या इसी अप्रोच के थ्रू होते हैं। एग्जाम्पल की आप बात करेंगे तो बारबिट्यूरेट और जो क्लोरपामाजीन है, ये सेरेंडिपिटी के एग्जाम्पल हैं। डिस्कवरी इनकी सडन हो गई थी, रैंडम तरीके से हो गई थी। सेरेंडिपिटी मतलब अचानक हुई कोर्स। इन केस एग्जाम्पल और लेना चाहेंगे तो पेनिसिलिन के बारे में आप ले सकते हैं। उसके बाद अगला है रेशनल अप्रोचेस। रेशनल अप्रोचेस मतलब होता है इसके अंदर हम उस पर्टिकुलर डिजीज या डिसऑर्डर की फिजियोलॉजिकल पैथोलॉजिकल नॉलेज को यूज करते हैं कि ये डिजीज ऐसा होता है, ये डिजीज ऐसा स्प्रेड होता है, इसके पीछे का लॉजिक ये है, ये पैरामीटर कम होता है, ये पैरामीटर कम होता है। तो उन सारे चीजों को ध्यान में रखकर आपको या हमको उस ड्रग की एक्टिविटी या उस ड्रग की डिस्कवरी करनी होती है,
ये पर्टिकुलर ड्रग कहीं और इस तरह से यूज हो रहा है तो हम उसको यहां पे यूज कर सकते हैं क्या। जैसे अगर आप बात करेंगे मिनोक्सिडिल की, तो वो एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग था, उसका साइड इफेक्ट था कि हेयर ग्रोथ करते हैं फीमेल में, तो उसको यूज किया हमने कहीं और कि ये एज अ हेयर ग्रोइंग ऑइंटमेंट या हेयर ग्रोइंग लोशन के फॉर्म में यूज कर सकते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं तो मॉलिकुलर मॉडलिंग की है। मॉलिकुलर मॉडलिंग आज के डेट में सबसे ज्यादा फॉलो किया जाने वाला टेक्निक है। इसमें हम कंप्यूटर की सहायता से जितने प्रोटीन स्ट्रक्चर हैं उनको थ्री डायमेंशनल देखते हैं और हम देखते हैं कि प्रोटीन का स्ट्रक्चर क्या है, कौन से जगह पे एक्टिव साइट बाइंड होने की जगह है और उसकी बाइंड होने से कौन सी एक्टिविटी मिलती है। तो उसको हम रोटेट करके उसके पोजीशन को चेंज करके एक्सपेक्ट करते हैं कि नया मॉडिटी हमको यहां से मिल सके। और इसमें प्रोटीन और कंप्यूटर का जानकारी रखना, डाटाबेस बनाना बहुत जरूरी है। उसके बाद हम बात करते हैं कॉम्बिनेशन थेरेपी की या कॉम्बिनेशन स्कीम की या केमिस्ट्री की। तो इसमें सिंपल सा है, हम इसमें पूरे पैरामीटर्स को, चाहे वो बायोलॉजिकल हो, चाहे वो बॉटनिकल हो, चाहे वो बायोटेक्नोलॉजिकल हो, चाहे वो माइक्रोबायोलॉजिकल हो या केमिकल क्यों ना हो, उन सबको हम रेशनल प्रपोर्शन मिक्स करके नए ड्रग की डिस्कवरी के बारे में बात करते हैं। जैसे एंटीबायोटिक्स के बारे में भी बात करेंगे तो वो लगभग इन्हीं एग्जाम्पल के अंदर में आते हैं। फिर हमारा लास्ट है बायोटेक्नोलॉजी को यूज करते हुए नए ड्रग की डिस्कवरी करना, और ये एक वास्ट टॉपिक है जिसके बारे में हम कभी आगे फ्यूचर में वीडियोस अपलोड करेंगे जब हम बायोटेक्नोलॉजी के लेक्चर स्टार्ट करेंगे। इसके सबसे सिंपल और सबसे एग्जांपल है आरडीएनए टेक्नोलॉजी, दैट इज रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के ऊपर हमने एक वीडियो भी अपलोड किया हुआ है और हमने स्कोप ऑफ बायोटेक्नोलॉजी भी वीडियो अपलोड किया हुआ है, उसको भी आप देख सकते हैं। इसमें हम देखेंगे कि हमको जो डिजायरेबल जीन है उनको रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस की सहायता से कट करेंगे। ये जीन है, इसके पर्टिकुलर सीक्वेंस को हम यहां से कट करेंगे और एक होस्ट सेल को जिसके ऊपर हमको ट्रांसफर करना है उसको भी लेकर रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस की सहायता से इसको इस तरह से हम कट करेंगे। इन दोनों को कट करने के बाद लाइगेज एंजाइम की सहायता से जोड़ेंगे तो हमारे पास एक नया सब्सटेंस बनेगा, इसको हम फिर होस्ट में ट्रांसफर करेंगे, उसको मल्टीप्लाई करेगा। इसका एग्जांपल बहुत सारे हैं, ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन या इंसुलिन, इस तरह से हम नए ड्रग को डिस्कवरी कर सकते हैं। सो फ्रेंड, दिस वाज इनफ फॉर द टुडेज लेक्चर। आज का लेक्चर था ऑल अबाउट ड्रग डेवलपमेंट एंड डिस्कवरी फेसेस। बहुत शॉर्ट आंसर के फॉर्म में ये क्वेश्चन आ सकते हैं, बट इसकी जानकारी होनी बहुत जरूरी है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज स्टे कनेक्टेड विद द सॉल्यूशन। थैंक्स अगेन।